नमस्ते। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, जो कि सब्जेक्ट EE302 का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स, और इसमें हम बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो पहला इसमें आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स दैट इज यूज टू ड्राइव टू और मोर देन टू मशीन्स बाय लाइन शाफ्ट थ्रू बेल्ट्स एंड पुलीज इज नोन एज ग्रुप ड्राइव्स और लाइन ड्राइव्स। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में ग्रुप ड्राइव्स को कहेंगे ताकि एक मोटर के द्वारा कई मशीन्स को ड्राइव की जाती हो और लाइन शाफ्ट और बेल्ट्स और पुलीज का यूज किया जाता है। मीन्स एक मशीन को दो या दो से अधिक मशीन को एक मोटर के द्वारा चलाया जाता होता है ग्रुप ड्राइव। इसके एडवांटेज हैं हमारे, सबसे पहला तो कि एक तो जो हाई कैपेसिटी की मोटर होगी सिंगल मोटर और एक उतनी ही टोटल कैपेसिटी की सेपरेट अलग अलग मोटर होंगी, तो उनकी कॉस्ट अलग अलग मोटर कॉस्ट ज़्यादा आएगी बजाय सिंगल मोटर की। मीन्स एग्जाम्पल है सिंपल एक छोटा सा कि एक 10 HP की मोटर है और एक HP की 10 मोटर है, तो जो एक एक HP की 10 मोटर होंगी वो ज़्यादा कॉस्टली होंगी बजाय एक सिंगल मोटर जो कि 10 HP की है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जब स्विच ओवर करते हैं नॉन मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ओर, तो सिंपली हमको इंजन हटा के एक सिंगल मोटर लगानी होगी, तो वो हमारे लिए ईजी है। थर्ड है जो इसकी एफिशिएंसी होती है और पावर फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है ग्रुप ड्राइव का। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ मशीनें अंडरलोडेड चलती हैं तो कुछ मशीनें ओवरलोडेड भी चलती हैं। मीन्स पूरा इडल सिस्टम इडल नहीं रहता, कुछ अगर लाइटली लोडेड हैं तो कुछ मशीनें ओवरलोडेड भी चलती हैं। फोर्थ है हमारा इसमें एडवांटेज, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको सिंगल मोटर ही मेंटेन सिंगल मोटर का ही मेंटेनेंस करना पड़ता है, सेपरेट अलग अलग मोटर का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता क्योंकि एक ही मोटर होती है। फिफ्थ है कि हमको यदि एक साथ सभी मोटर्स को सभी मशीन्स को रोकना हो तो उसके लिए जो ग्रुप ड्राइव सिस्टम है वो बेस्ट है। इसमें अगर मोटर क्योंकि एक होती है मोटर को रोक देंगे तो बाकी मशीनें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। सिक्स्थ, इट हैज ओवरलोड कैपेसिटी, मीन्स इसमें सारी मशीनें एट ए टाइम फुल लोड पर नहीं चलती, कुछ अंडर लोड भी होती हैं तो किसी मशीन को हमको ओवरलोडेड करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज हैं इसके, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला तो यही है कि यदि कोई फॉल्ट आ जाता है मोटर में तो पूरे जो मशीन है उससे कनेक्टेड है वो सारी शट डाउन हो जाएंगी, मीन सारी बंद हो जाएंगी, प्रोसेस बंद हो जाएगा। सेकेंड है इसमें एक बार लेआउट बन जाता है सिस्टम का, एक मोटर के द्वारा जितनी मशीन लगानी है लगाने के बाद वो इंस्टॉल होने के बाद फिर उसमें जिसको लेआउट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। थर्ड है जो इसमें नॉइज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मैकेनिकल सिस्टम ज़्यादा रहता है, शाफ्ट और पुलीज वगैरह ज़्यादा रहती है। फोर्थ है इसमें कि एक इंडिविजुअल मशीन कोई भी मशीन है उसकी स्पीड वेरिएशन हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि सारी एक ही मोटर से जुड़ी होती है, शाफ्ट और पुलीज के द्वारा जुड़ी होती है, मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा जुड़ी होती है, तो हम इंडिविजुअल मशीन की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। फिफ्थ है कि ये सेफ कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मैकेनिकल सिस्टम पुलिस बेल्ट वगैरह ये ज़्यादा होती हैं इसलिए कम सेफ होती हैं। सिक्स्थ है द पॉसिबिलिटी एट द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशन ऑफ मशीन इन एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज लिमिटेड। अब सेकंड आता है हमारा, इसमें जो पहला है ग्रुप ड्राइव, सेकंड है इंडिविजुअल ड्राइव। तो इंडिविजुअल ड्राइव उसे कहते हैं जिसमें एक मोटर के द्वारा सिंगल मशीन को रन किया जाता हो, तो उसे अपन कहते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। उसमें एक मशीन के साथ एक ही मोटर होगी। इसके कुछ एडवांटेज हैं इंडिविजुअल ड्राइव के। पहला तो ये साफ सुथरी और सेफ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मोटर के द्वारा एक मशीन को चलाया जाता है तो इसमें ज़्यादा मैकेनिकल सिस्टम नहीं रहता और ये सेफ भी होती है और मोटर को ऑपरेट करना सेफ होता है। मशीन कैन बी लोकेटेड कन्वेंट पैलेस, क्योंकि एक ही मोटर होती है मशीन के साथ तो उसको अपन अपनी जरूरत के अनुसार कहीं पे भी लगा सकते हैं इंडस्ट्री में। एट द टाइम ऑफ फॉल्ट नो अदर मशीन अफेक्टेड, यदि एक मशीन के जो मशीन मोटर से कनेक्टेड है मोटर ख़राब हो जाती है तो बाकी की सारी मशीनें एजिटी चलती रहेगी क्योंकि अलग मोटर से कनेक्टेड है,
और जो मोटर खराब हुई है उसी की मशीन इसमें अफेक्ट होगी केवल, और बाकी सब एचटी चलती रहेगी। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन इज ईजियर, इसमें क्योंकि मोटर से मशीन कंट्रोल होती है, एक मोटर से एक मशीन कंट्रोल होती है, तो उसकी अपन स्पीड कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। और लेआउट ऑफ मशीन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडस्ट्री, तो इसके एडवांटेज के साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो इंडिविजुअल ड्राइव है उसमें। डिसएडवांटेज है इसका पहला कि टू स्विच ऑफ ऑल मशीन्स टुगेदर इज डिफिकल्ट, मीन्स एक साथ यदि हमको सारी मशीनें बंद करनी हो तो हमको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सारी मशीनें अलग अलग मोटर से जुड़ी हुई रहती है, हमको अलग अलग मोटर बंद करनी होगी। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मोटर्स ज़्यादा रहती हैं तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। हाई इनिशियल कॉस्ट, नंबर ऑफ मोटर्स ज़्यादा होंगी फॉर सेम कैपेसिटी तो इनिशियल कॉस्ट भी हमको ज़्यादा पड़ेगी। और पावर फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल मोटर इज लोअर, मीन्स कभी जो मोटर से मशीन कनेक्टेड है वो हमेशा फुल लोड पर नहीं चलेगी, कभी लाइटली लोडेड पर भी चल सकती है, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है और एफिशिएंसी है वो कम रहता है। इसके बाद आता है थर्ड हमारा मल्टी मोटर ड्राइव। जो मल्टी मोटर ड्राइव होता है उसको, उसकी डेफिनेशन सिंपल है कि एक मशीन के कई पार्ट्स को अनेकों मोटरों के द्वारा चलाया जाता है, मीन्स एक मशीन है लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग है, उनको अलग अलग मोटर्स के द्वारा चलाया जाता है, और इसका एग्जांपल है सीएनसी मशीन। थैंक यू।